दे रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आसाराम को दोषी करार दिया गया है। यौन शोषण मामले में आसाराम को दोषी करार दिया गया है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अब सजा पर बहस होगी, वो बात की बात, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यौन शोषण मामले में आसाराम को दोषी करार दिया गया है, यानी कि जो चार्जेस लगाए गए थे वो सिद्ध हुए। कह सकते हैं कि अब जो है न्यायालय ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया, दोषी माना है, तो अब सजा के बिंदुओं पर बहस होगी कि किन किन धाराओं में क्या क्या सजा होगी वो कुछ देर बाद पता चलेगा। अब किस किस धारा में सजा होगी ये कुछ देर बाद में पता चलेगा, लेकिन आसाराम पर सबसे बड़ा फैसला है, दोषी करार दे दिया गया, इससे बड़ा फैसला हो नहीं सकता। आसाराम को दोषी करार दिया गया है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और आसाराम को अब किन किन चार्जेस में दोषी माना गया है ये अब साफ होगा। मैं इस पर भी जाऊंगा कि किन किन मामलों में दोषी पाया गया है, लेकिन जो सबसे बड़ा चार्ज था वो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत था और इसमें 10 साल तक की सजा, 10 साल से लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती थी।